Hello everybody, welcome again to our YouTube channel Civil Edu Online. Central Government की Ministry of Railways की जो Railway Recruitment Board है उसकी recruitment आई है engineers के लिए, तो engineers के लिए काफ़ी खुशी की बात है. ओके इसमें most probably closing date और टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑनलाइन जो है वो 31 जनवरी होगा 2019 ऑफ कोर्स. और पोस्ट की अगर बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर है, जनरल लिखा गया है जूनियर इंजीनियर 13034 वैकेंसीज, लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों की वैकेंसीज इसके अंदर रहेगी. ओके सो यू कैन अज्यूम के अप्रोक्स सिविल का जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोर और लेस अप्रॉक्स 5000 सीट्स तो कम से कम सिविल की होनी चाहिए. ओके सो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी. फिर अगर बात की जाए तो एज एज ऑन 1 जनवरी 2019 एज के लिए आपका जो डेट है वो 1 जनवरी के हिसाब से 18 से 33 साल के अंदर आपका लिमिट होना चाहिए. प्लस पे स्केल की अगर बात की जाए तो JEN है जैसे जूनियर इंजीनियर, तो इसका पे स्केल रहेगा 35,400 के. एडवर्टीजमेंट में लिखा भी है, रेलवे की ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है ये, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट. ओके और हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको इसका PDF मिल जाएगा, सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हैव इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. क्वालिफिकेशंस की अगर बात डिस्कस की जाए तो एज यू नो जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग दोनों कंसिडर्ड है, तो डिप्लोमा वालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जनरली मोस्टली सब अपॉर्चुनिटी में डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सो इन दोस केसेस डिप्लोमा पीपल हैव ग्रेटर एज इन दिस केस, और डिग्री वाले भी अप्लाई कर ही सकते हैं एज यूजल. दूसरा है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी है, और डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट. ओके उसके अंदर भी डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी डिसिप्लिन इज ओके. सो कोई भी डिसिप्लिन में अगर आपने डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग किया है सो डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं. सो इस हिसाब से कैन अप्लाई. और IT वालों के लिए भी IT की स्पेशल रिक्रूटमेंट है JEE IT, सो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. अप्लाई किस तरह से करना है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. ओपनिंग डेट है 2 जनवरी 10 बजे, और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 31 जनवरी 23:59. फीस आपकी रहेगी, इसमें लिखा है एग्जाम फी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो. ओके सो उनकी फी रहेगी 500, और फॉर SC ST एक्स सर्विस मैन PWD वुमेन ट्रांसजेंडर ओके वो सब के लिए भी फी ऑफ 250 will be refunded duly deducting bank charges on appearing on the first stage of computer based test. Okay. So first stage जो है computer based test उसमें आप appear करोगे तब 250 आपका deduct हो जाएगा. So their total fee will be 250. उसके बाद online कैसे करना है आपको payment? So online payment के लिए 5th February is the last date, 2200 hours. SBHLN से अगर आप payment करते हो तो 4th February 1300 hours इज़ द लास्ट डेट. और पोस्ट ऑफिस से अगर आप चलान भरते हैं सो 4th February 1300 hours इज़ द लास्ट डेट. ओके एंड फाइनल डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज 7th February 23:59. ओके सो सेंटर्स की अगर बात की जाए, सेंटर्स का भी इसमें लिस्ट दिया गया है, तो कौन से सेंटर्स हैं तो वो इसके अंदर आप देख सकते हैं. अहमदाबाद है, अजमेर है, अलाहाबाद है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता, मलडा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलगुड़ी एंड थिरुवनंतपुरम. ओके सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो. इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सो प्लीज़ आप तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए. ओके एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है सो इट्स
really going to be tough competition also. So please be prepared accordingly. So hope for the best. Good luck, everybody. Thank you.